हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 1 जून 2024, आज अपना डे है 17। तो 17 डे जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर वो किस चीज़ के लिए, SSC, रेलवे, DSSP और जितने भी वन डे एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली होने वाला है CHSL का एग्ज़ाम और DSSP का एग्ज़ाम, तो उनमें ये करंट अफेयर जरूर आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिलायंस, टाटा और SII, इसका मतलब सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑफ इंडिया, टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस कंपनीज, तो टाइम 100 की एक मैगजीन है, उसके अंदर इन तीनों कंपनियों का नाम लिया गया है। जो टाटा ग्रुप्स, ठीक है, आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट और मुकेश अंबानी की कौन सी है, रिलायंस, तो इन तीनों कंपनी को लिया है। 2024 के अंदर जो टाइम्स मैगजीन है उसके अंदर इन तीनों को इन्वॉल्व किया गया है। आगे देखते हैं, देखिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे टाटा सन्स की पेरेंटल कंपनी है, ठीक है, और इसकी कई सारी सब्सिडरीज हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, और इसके फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा, और इसको फाउंड किया गया था 1868 यानी 1868 के टाइम पर मुंबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर ही है। इसके अंदर देख ले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, साइरस पूनेवाला किसके कौन है, फाउंडर है, प्राइवेट कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल पर काम करती है ये। साइरस एस पुणे वाले इसके कौन है, फाउंडर और चेयरमैन है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर। आगे बढ़े तो ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च ऑफ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, तो अग्निकुल ने किसके साथ स्टार्ट करा था, ये अग्निकुल एक कंपनी है, ठीक है, और IIT मद्रास के साथ मिलकर इन्होंने क्या करा, एक 3D जो है ना, 3D बनाई है, 3D ये रॉकेट बनाई है, ठीक है, इंजन वगैरह बनाए, जो अग्नि बाण के नाम से इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहे हैं, और लॉन्चिंग पैड जिसका नाम है धनुष, तो उस पर से ये लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, न्यू प्रोडक्शन पर काम हो रहा है यहाँ पर 3D प्रिंटिंग को लेकर, ठीक है, जितनी बनाई जो 3D प्रिंट को लेकर बनाई गई है ये रॉकेट, ठीक है। लॉन्च नॉट ओनली द बिग स्टेप टूवर्ड द टेक्नोलॉजी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लिया। एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल पर्सनलाइजेशन कैंसर वैक्सीन, देखो एक वैक्सीन आने वाली है जो पर्सनलाइजेशन इम्यून थेरेपी के ऊपर काम करेगी, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम क्या है, इस वैक्सीन का नाम है ये है पोटेंशियल पर्सनलाइजेशन कैंसर वैक्सीन, ठीक है, ये पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन है, तो ये क्या करेगी, हमारे अंदर लगाएगी तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर देगी, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो क्या, इम्यूनिटी सिस्टम इज फाइन अकेला कैंसर सेल, वो कैंसर सेल को क्या कर देगी, किल कर देगी। ऐसे ही एक और है नोटेबली, तो एक और इसी के ऊपर काम कर रहा है, फर्स्ट फेज जो है, सेकेंड स्टडी चल रही है mRNA बेस के ऊपर, तो mRNA बेस के ऊपर जो स्टडी चल रही है उसके अंदर क्या है, मेलानोमा एक बनाई जा रही है, जिसके अंदर क्या हुआ, ये स्टॉप कर देगा कैंसर को, जो दोबारा से कैंसर वापस आ जाता है ना शरीर में, जैसे एक बार व्यक्ति को कैंसर हो गया तो दोबारा होता है, तो दोबारा कैंसर ना हो इसलिए उसके mRNA के ऊपर काम चल रहा है। ये जो अभी बना है वो DNA वाला है, DNA सीक्वेंस वाली है, ये जो टेक्नोलॉजी बनी है वो DNA सीक्वेंस वाली है, ठीक है, आगे बढ़े। ओसीरिक्स एपेक्स सेफ्टी नेविगेशन क्लोज टू सन अप्रोच, ठीक है, ये रहा ओसीरिस पहुँचा, ये वाला ये व्यक्ति ये सैटेलाइट ये पहुँचा सन के पास, सन के बहुत नज़दीक पहुँच गया, लगभग 25 मिलियन माइल क्लोजर टू द सन, ठीक है। और ये एक और जो हमारा धूमकेतु है उस पर से क्या है, एस्ट्रॉयड वीनू से कुछ सैंपल्स लेके आ रहा है, ठीक है, वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके धरती पर लेके आ रहा है ताकि वहाँ के पता चले, ठीक है, पेरिहेलियन पासेस बोलते हैं जो इतना क्लोज पहुँच जाते हैं सन के पास। आगे बढ़े, नवीदा स्टॉक हैज़ द हिट रिकॉर्ड अप्रोचेस टू एप्पल, तो नवीदा क्या ये ना, देखो एक चिप है, ठीक है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर में लगाई जाती है, तो इसके ना बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं, इसकी मांग बहुत ज़्यादा हो चुकी है 28 मई के बाद, ठीक है, एप्पल से भी ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई है मार्केट के अंदर, तो यही बताया गया है इसके बारे में। आगे बढ़े, मैंग्रोव्स इन साउथ इंडिया और श्रीलंका लेबल क्रिटिकल, देखो साउथ इंडिया हमारे यहाँ पर है, तमिलनाडु और यहाँ पर नीचे श्रीलंका, तो यहाँ पर जो मैंग्रोव्स है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब विलुप्त होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो इसकी जो देख रेख है वो कौन करता है, इनकी देख रेख करता है IUCN, इसके फॉलो में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है मैंग्रोव्स को लेके, तो इसके प्रॉब्लम को बचाने के लिए IUCN ने आगे देख रेख करी है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या है, वर्ल्ड देखो WHO ने क्या करा है, WHO ने करा वर्ल्ड नो टबैको डे, ठीक है, 31 मई के दिन मनाया जाता है ताकि इस पर तंबाकू पर फोकस किया जाए, कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, कि इस पर जो बैनर लगे हुए आते हैं आपने देखा ना तंबाकू पर कैंसर वगैरह लिखा हुआ आता है, तो उनको अवेयर करने के लिए बताया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हजार, ठीक है, हजार्डस होती है, ख़राब होती हैं, ठीक है, और इसके बाद स्मोक फ्री फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाए, तो इसका जो थीम है, इस साल का थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम तंबाकू इंडस्ट्री
इंटरफेरेंस, कई बार कई छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं। तो 31 मई के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड नो टबैको डे। आगे बढ़े, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर जाएं वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। एंड थैंक यू।